महिरबानी करे तव्हां असां वटां आयो तकलीफ़ करे जे असां जेतिरी बि मज़म्मत करे इस वाक़े की कम है हम भाग के वासी जलाल खान के वासी हमारे साथ ये बड़ी नाजायजी है नाइंसाफ़ी है और ज़्यादती है कि ऐसा हमारे इलाके में कभी भी कोई मसला नहीं हुआ। ये लिंक लाइन है, कोई मेन लाइन कोई नहीं है और ये तकरीबन 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर भाग से जलाल खान तक ये लाइन जा रही है, 20 किलोमीटर जलाल खान से हमारी मुगरियों की ज़मीन में ये लाइन जा रही है शुरान की तरफ, ये तकरीबन 30 किलोमीटर की लाइन है जहाँ तक ये जो फ्लड आते हैं पानी आते हैं काफ़ी जगहों पे लाइन ज़ाहिर भी है, काफ़ी जगहों पे पानी ने उसको ज़ाहिर किया हुआ है या शायद गैस वालों की अपनी कोई कमज़ोरी की वजह से ज़ाहिर है, तो वहाँ पे अगर धमाका होता तखरीबकारी तो वहाँ पे किया जाता। ये हमारे साथ जलाल खान के साथ ये बड़ी ज़्यादती है, ये हमारे लोगों के साथ हमारी आवाम के साथ हमारे घरों के साथ ये बड़ी ज़्यादती है। हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान की सरजमीन पर रहते हैं, हम पाकिस्तान के लिए अपनी जानें कुर्बान करेंगे, मुल्क के लिए अपनी ज़मीन के लिए जानें कुर्बान करेंगे। ये जो निचले दर्जे के लोग हैं घटिया हरकतें कर रहे हैं हम उनकी मज़म्मत करते हैं, हमें यकीन है कि हमारे साथ सरकार भी तावन करेगी, हमें यकीन है कि हमारे साथ चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान भी इस पर एक्शन लेगा और हमारे MPA साहब वीर आमिर जान रिंद वो भी हमारे साथ तावन करेंगे कि ऐसी तखरीबकारियों और ऐसी ज़्यादतियों को कभी भी हम देख के हम पीछे नहीं हटेंगे। जो हमारा मिशन है, जो हमारा मुल्क के लिए हम हर जद्दोजहद करेंगे अपने इलाके के लिए अपनी आवाम के लिए, ये बुजदलाना हरकतें हमें और हमारे इलाके को इंशाल्लाह कभी भी पीछे नहीं हटा सकते, नहीं हटाएंगे भी सही। वस्सलाम।